हेलो एवरीवन, जीत को टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत को टीवी यूट्यूब। इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेरी के लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है कि जो लोग नर्सिंग के लिए किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है, स्पेशली जब कैनेडा है, अगर आप बीएससी नर्सिंग हैं या फिर आपने कोई नर्सिंग डिप्लोमे के लिए जाना है, तो एक बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके परसेंटेज कितने हैं एंड आपके आयल्स कितने हैं, एंड जो कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं करने के लिए स्टडी, फर्दर स्टडी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आयल्स कितने मांग रही है, एंड उसका जो है इंस्टीट्यूट वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या एफिलेटेड टू गवर्नमेंट है, या फिर यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन या स्टार रैंकिंग क्या है, कहीं वो प्राइवेट तो नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में वीज़ा रेट्स बहुत कम होते हैं एंड उनके जो है एक्रीडिएशन भी नहीं होता, उसकी वैल्यू भी नहीं होती, तो आपको पीआर के टाइम या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए भी प्रॉब्लम होती है अगर वीज़ा लग गया तो। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एक अवेबिलिटी बताते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए ओनली फॉर एडमिशन कुछ 100, 200 या $300 तक उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी जाती है कि अगर आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में या आपने जो भी ट्वेल्थ के बाद जो डिप्लोमा किया है या जो भी किया है उसमें 60% से अबव होना चाहिए, 6.5 ईच जो हैं वो आपके आईएलएस या इंग्लिश लेवल होने चाहिए, और आपके पास मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है आपका एक सब्जेक्ट, एंड आपकी जो प्रीवियस स्टडी है 10th, 11th, 12th या आपने बीएससी की है तो उसमें कोई मैथ्स का यूज़ हुआ है या आपकी प्रीवियस स्टडी में मैथ्स का यूज़ हुआ है ये ज़रूर देखते हैं, एंड आपके कितने मतलब आपने स्टडी रेगुलर की है या आप बीच में सप्लीमेंट्री आई है या फिर कितने आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या कितने टाइम में आपने ये जो स्टडी कंप्लीट की है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी एक चीज़ है कि आपको किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले जब आप ये इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको फर्दर स्टडी के लिए इंग्लिश कंट्री में जाना है, तो आपकी पर्सनल एजुकेशन क्या है, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से पहले आप पूरा सर्च करें। सभी यूनिवर्सिटीज, सभी इंस्टीट्यूट गूगल पे हैं, आप वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जाके आप उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नर्सिंग कोर्सेज जो हैं ऑफर नहीं किए जाते कैनेडा में, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड अदर चीज़, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड नर्सिंग कोर्स के लिए जाना चाहते हैं एंड आप मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको सेम आपका इंग्लिश लेवल, आपके परसेंटेज, आपके फाइनेंसेस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री एंड उसके अलावा आपके आईएलएस जरूर चेक होंगे कि आपका लेवल कौन सा है, किस लेवल पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, एंड उस लेवल के हिसाब से स्पाउस अगर साथ में जा रहे हैं तो आपके आईएलएस स्कोर्स अच्छे होने चाहिए, आपका लेवल 7 या 8 होना चाहिए। बाकी सारे ही कोर्सेज में ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर आपके 5.5 बैंड हैं या उस हिसाब से उतने लेवल की आपकी इंग्लिश लेवल है, तो आपको फर्दर स्टडी से पहले एलिकोस एक कोर्स दिया जाता है 1 ईयर का, वो पास होना पड़ता है आपकी एकेडमिक स्टडी स्टार्ट होने से पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है न्यूजीलैंड में, क्योंकि नर्सेस का जो कोर्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंड बहुत ही डिमांड में होता है हर कंट्री में, तो ये सभी को नहीं मिलता, एंड अगर कोर्स आपको मिल गया, आपका जो है एप्लीकेशन लेटर आपका अप्रूव हो के आपको एडमिशन लेटर भी मिल गया, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको जो है वीज़ा मिलेगा। कनाडा में जिन लोगों ने नर्सिस कोर्स के लिए जाना है, आप मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले पूरी सर्च करें गूगल पे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा एजेंट के पास जाने से पहले या अपने कंसल्टेंट के पास जाने से पहले कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज, एंड
क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, कितनी फीसेज हैं उनके पास, और अगर आपके पास स्टडी गैप है इन बिटवीन स्टडी कंप्लीट होने के बाद और फॉरेन एजुकेशन से पहले, तो वो गैप आपको कैसे फिल करना है एंड वो गैप क्यों है। अगर आप ये इतना सा भी नहीं कर सकते तो एजेंट आपके लिए इतने डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक सेमेस्टर में 11 स्टूडेंट्स भेजने का जो है एग्रीमेंट होता है, तो उन्हें कम से कम वो कॉलेज में अपना रेपुटेशन जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए 11 एप्लीकेशन तो फिल करने पड़ते हैं कि हमने तो स्टूडेंट भेजे आपके पास। अब उन्हें वीज़ा नहीं मिला तो ये किसी के हाथ में नहीं होता, पर जब आपका वीज़ा एक बार या दो बार एक कंट्री के लिए रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा वो कंट्री में आपको एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर स्टडी वीज़ा आपका एक या दो बार रिजेक्ट हो गया है, आप बार बार भी ट्राई कर सकते हैं एंड आप दूसरी कंट्री के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके कैपेबिलिटीज़ क्या हैं एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं वीज़ा आपके फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट तो नहीं हुआ, कहीं वीज़ा एप्लीकेशन में आपने कुछ गलत तो नहीं भरा, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ गलत तो नहीं, या फिर आपने सिर्फ ऐसे ही दूसरों पर डिपेंड होकर आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्यों आप जा रहे हैं, क्यों पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, क्या इस कोर्स की आपकी कंट्री बैक में इसकी डिमांड है, या फिर उस कोर्स की वो कंट्री में क्या डिमांड है एंड उसकी इंग्लिश लेवल कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, तो ये सारे ही चेक करने पड़ेंगे। 2019 का जो नर्सिंग का कोर्स रिक्वायरमेंट है उसके डिटेल मैं आपको सब सब्सक्रिप्शन बुक्स में जरूर डाल दूँगी ताकि आप उसे देख सकें। एंड एक रिक्वेस्ट फिर से मैं आपसे करती हूँ, स्टडी वीज़ा बहुत ही इजी होता है मिलना, जिनको नहीं मिलता उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी और कंट्री का हो सकता है। बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट पूरी हो तो आपको वीज़ा मिल सकता है। कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ना लगाएं, क्योंकि फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर द डे।